एक नया प्रोजेक्ट बेंटले होम्स के नाम से आपको हम दिखा रहे हैं, और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे घर कैसे बनते हैं और इसकी फाइनल पोजीशन क्या होती है। ये मटेरियल रखा हुआ है साइट पे, और यहाँ पे ये रिसेंटली एक्सकेवेशन भी हुई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये मटेरियल रखा हुआ है, यहाँ ये जो है वो प्लेंथ लेवल इन्होंने जो फिलअप किया है मतलब कंक्रीट का, तो ये इतना ही कंक्रीट का जो है वो ये फिलअप करते हैं। उसके बाद फिर जो है वो इसी के ऊपर जो है वो लकड़ी का बेस बनाते हैं, जैसे कि ये है। अब इसमें आप नीचे देखें, वो आपको नज़र आ रहा है कि ये कंक्रीट का जो है वो बेस बना हुआ है, और उसके बाद फिर ये डबल स्टोरी एक पूरा कॉटेज बना है जिसमें कि चार कम से कम फैमिलीज रह सकती हैं। ये पूरा वुडन जो है नज़र आ रहा है अंदर से और बाहर से। ये ऊपर आप देखें इसकी खिड़कियां, तो ये पूरा वुड है जिसको इन्होंने जो है वो इनिशियली खड़ा किया है। इसमें बाद में इसकी जो है वो कवरिंग होती है प्लास्टिक और डिफरेंट मटेरियल से। अब ये इसका दूसरा फॉर्म है, यानी अभी जो मैंने दिखाया उसके बाद ये इस पोजीशन में आता है जब आप इसके ऊपर जो है वो कवर अप करते हैं मुख्तलिफ प्लास्टिक की जो है वो शीट्स लगा के ना, ठीक है। वो हम आपको अलग से मटेरियल दिखाएंगे कि क्या क्या यूज़ होता है, लेकिन अभी हम अब बनी हुई हालत में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पोजीशन है ये अंदर आप देखें, ये लकड़ी के जो है वो काम हुआ हुआ है, पाइप लगा हुआ जैसे, और ये इन्होंने बिल्कुल रिसेंटली ग्लासेस वगैरह विंडोज़ लगी, सारी चीज़ें रेडीमेड है यहाँ पे, इवन ऊपर। और ये जो है वो फिर इन्होंने जो है वो थर्ड फॉर्म में ये जो शीट्स हैं प्लास्टिक की वो इस्तेमाल होती हैं, और बिल्कुल जो है शेप बन जाता है इसका ना घर का। अब देखें सामने वो विंडोज़ पड़ी हुई हैं, ये नीचे जो है इन्होंने बनाया, ये इट लुक्स लाइक अ कार पोर्च या ये एंट्रेंस है, और उसके ऊपर ये एक मुकम्मल घर हो गया। यानी तीसरी सूरत में कि ये कैसे होता है, ये देखें बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ है। इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें क्या मटेरियल लगता है, लेकिन इनिशियली आपको बताने का मकसद ये था कि ये दो या चार फैमिली का एक घर जो है वो यहाँ पे तीन से छः महीने में तैयार हो जाता है। तीन से चार महीने में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाता है। अब इसको खूबसूरत जो है वो करने के लिए इनको जो है बाहर मुख्तलिफ कलरफुल शीट्स लगानी पड़ती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे घरों की जो है वो वॉल्स के लिए दोनों तरफ ये शीट्स इस्तेमाल होती है, ये वाली
ये नटों से फिक्स हो जाती है, साइडों पे ये भी इस्तेमाल होता है। ये मुख्तलिफ वुड के साइज पड़े हैं। तो यहाँ पे घर बनाना आसान है, बस ये है कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे काफ़ी डेवलप है और आप सिर्फ स्क्रू और मुख्तलिफ पैनल्स, चाहे प्लास्टिक, फाइबर ग्लास या वुड, लेकिन वुड भी जो है वो काफ़ी इनका वेट कम होता है ना, तो इट्स ईजी टू हैंडल। बंडल्स में आता है इस तरह से ना, जैसे अभी मैंने खुला हुआ दिखाया, तो ये दीवारों पे फिक्स होता है प्लाई बोर्ड, जैसे ये पड़े हुए हैं ये पूरे पूरे, ये प्लाईज पड़ी हुई हैं बंडल, और इसकी कॉस्ट जो है वो फी प्लाई 49.17 है। इसी तरह ये है, ये 49.7 है, मेरा ख्याल है 3 इंच या 4 इंच की है, और इसकी लेंथ जो है वो यहाँ से हाउ मच है लेंथ? 16 फीट। मटेरियल ये एक्चुअली फ्रेमिंग के लिए यूज़ होती है, ये आप फिक्स करके ना इन बिटवीन दोनों तरफ फिर एक शीट लगाते हैं जिसको क्या कहते हैं, शिद्रा, शिद्रा। अभी हम आपको दिखाते हैं। अब इसमें जो है वो ये जो शीट है ये देखें, ये इजी टू हैंडल, इसमें आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। इट्स लाइक ये मटेरियल जो है, और इसी तरह ये जो है ना दूसरा है, तो ये फ्रेमिंग के लिए इस्तेमाल होती है, और उसके बाद फिर ये शीट इस्तेमाल होती है ना मकानों में। ये है ये दीवारों में इस्तेमाल होती है ना। इज इट हैवी? गच। ये इसकी स्पेसिफिकेशन, हाँ, और ये असल में यहाँ के मकानों में मेन चीज़ ये इस्तेमाल होती है। अब ये क्या होती है, इसको यहाँ से देख सकते हैं हम, ये इस वेरी लाइट, ये डिप्लिन एरिया है, ये अलमारी के अंदर। अब एक्चुअल में इसमें ऐसा लगता है ये पेपर और जिप्सम है, ठीक है, जिप्सम और पेपर। तो ये जो है वो सीलिंग होता है, सीलिंग मटेरियल है, हाँ। ये है शावर का, एक होता है घर का, वाटर प्रूफ कौन सा है, ये सारे पड़े हुए जिप्सी, ये दिखा हुआ है, और ये 626/4, वो जो है वो $15 है, ये मुख्तलिफ लिखा हुआ है। ये एक्चुअल चीज़ है, इसमें जिप्सम वो सामने, ये सीमेंट है, मेन थिंग है इसमें दिस वन। ओके, उर्दू में बताएं। आप किसी जमीन भी डालेगा ना उसका डिजाइन करें ना, कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट ये रख के, कंक्रीट प्लास्टिक है, प्लास्टिक, ये ग्लास, इज इट, ये वन ऑफ कलर, दिस सीमेंट ऑलरेडी ऑलरेडी मिक्स, अच्छा मिक्स सीमेंट है ना, ये यूज होता है, ये पड़ा हुआ है, ये मिलता है प्लास्टर है, इट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, या दिस वन हियर, दिस इज फिलिंग, फिलिंग मटेरियल है, और ये पॉक्सन है, और ये एक बाल्टी कितने की है यहाँ, इट्स रिटन 34 $35 ये छोटा वाला $22 बेसमेंट विंडो, और ये वो हॉट पेपर है, ये ग्लास विंडो बनी बनाई है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ यहाँ से लेके शीशे भी लगे हुए हैं स्लाइडिंग, और इस एल्यूमिनियम, लेकिन ये एक $280 का एक है ये खिड़की ना बना बनाया। इसी तरह ये बड़ी साइज में, ये बड़ी साइज़ में ये मिलता है हमें यहाँ पे $300 का एक, इसमें शीशा भी लगा हुआ है ये। लेट मी टू शो यू द डोर, अब ये दरवाजे हैं मुख्तलिफ कलर्स में,
ठीक है ना। ये यहाँ बताते हैं दरवाजे, और ये साल इधर पीछे ज्यादा है 317 इधर कॉलर 446 पूरा कॉलर ले रहा हूँ। ये सारे कॉलर ये डिजाइन, ये मुख्तलिफ दरवाजे हैं। इसका मटेरियल क्या है? यस ये देखो लाइक दिस इस लिविंग यू स्लीपिंग रूम। अच्छा अच्छा हां उसको ये वाला क्या में ये देयर ये मुख्तलिफ दरवाजे हैं ना कलर। आपका एक स्लाइस वाला का बनाएगा, स्लाइस वाला ये स्लाइस वाला स्लाइड वाला नहीं, वो स्लाइडिंग डोर है, वो डोर है ये इसका मटेरियल है। आप बंद करेगा? अच्छा अच्छा ऊपर उसके दरवाजा कैसे करेगा? ये स्लाइड के लिए है ना, और ये बाकी दरवाजे पड़े हैं, ये देख रहे हैं सारे। दिस ये बड़े दरवाजे हैं, बहुत बड़े दरवाजे, और इसकी कॉस्ट जो है वो $267। ये यहाँ पे शीशे वाले पड़े हैं डिफरेंट। ये वाला चौथा साइज मिलेगा। अच्छा ये ग्लास वाला है, ये हमारा दूर ऐसे है ना। अच्छा माशाल्लाह, ये इसकी कॉस्ट क्या? बने बनाए शीशा वीशा लगा हुआ है, और ये इसकी कॉस्ट है $1,238 का एक दरवाज़ा बना बनाया। इसी तरह ये मुख्तलिफ किस्मों के दरवाजे पड़े हैं, ये पड़े हैं, ये सब कुछ लगा हुआ है, लॉक पॉक सिर्फ आप असेंबल करना है। और इस तरह ये ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं, ये सारे बने बनाए। तो यहाँ पे मतलब हर चीज़ रेडीमेड मिलती है। हैं ये दिखाएं? वो किचन है ना? हाँ इसको बाइक साइज आपका किचन है, बाइक यार ये। हाँ बंद करें इसको, ज़रा बंद करके दिखाएं। ये छोटा है वाला होता है। अच्छा ये खुलता कैसे है? इसका लॉक है, लॉक दिस। अच्छा ये लॉक स्लाइडिंग डोर है, और इसकी कॉस्ट जो है वो ये 768। नो नो लुक $1,668 बड़ा साइज जो है 1,098,000 बड़ा साइज सबसे इधर फीट है लोको फीट के हिसाब से $1,668 बने बनाए चौखाट है। चौखाट कहते हैं हम उसको उर्दू में, इसमें डोर फिक्स होते हैं, वो सामने डोर भी लगे हुए हैं कंप्लीट। इसके अंदर गैस है देखो तो स्पेशल इधर लिखा है, देखो जैसे ये बर्फ है, ये गर्मी है। हाँ देखिए वाईफाई कोई बार नहीं चलेगा, कोई साउंड नहीं आएगा ना, ठीक है। ये इसके ये खासियत है। अच्छा ये साउंड प्रूफ है, साउंड प्रूफ, ये वेदर प्रूफ साउंड प्रूफ, गर्म के लिए गर्म के लिए लॉक है, वेदर प्रूफ साउंड प्रूफ, इसके लिए महंगा है ना। इसके अंदर गैस होता है स्पेशल। अच्छा इसी तरह ये टाइल सेक्शन है, ये सारा टाइल आर्टिफिशियल टाइल है। अब दीवार भी लगा है ना, यू नो यू पुट योर दीवार हाउस। अच्छा ये देखें ऑलरेडी डिज़ाइन बने हुए हैं ईंटों के, दूर से लगता है कि ये ईंट है, हालांकि ये ईंट नहीं है, इट इज जस्ट फार्मी का टाइप कोई चीज़ है, जैसे ये है ना। ये देखें ये सारी है शीट्स है ना, ये डिज़ाइन ये हम भी यूज़ करते हैं, ये दूसरा कलर है ना। इसके अंदर थ्री खासियत है, ये इसकी कॉस्ट है ठीक है फिट के हिसाब, और इसको हम क्लोज से देखते हैं तो ये इसके मुख्तलिफ जो है वो लेवल्स हैं ना, वाटर प्रूफ फॉर्मी का, फिर नीचे रबड़ है पूरा, या लाइट रबर होता है उसके ऊपर और होता है जिसके ऊपर और होता है, ये वाला ये ना ये देखिए ये आपका ये बालकनी होता है को, थोड़ा उसके नीचे डालेगा वो ऊपर, ठीक है।